बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है चने की दाल और आलू का पुलाव। चने की दाल और आलू का पुलाव बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है और बहुत आसानी से हम उसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक कप से थोड़ा सा कम मैंने घी लिया है और इसमें मैंने एक दरमियानी प्याज स्लाइस करके और इसे कट कर लिया। और अब मैं इसे ब्राउन करूँगी, पूरा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सा ब्राउन करूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको आगे मज़ीद दिखाती हूँ। इस ब्राउन होती हुई प्याज में ही मैं सबसे पहले डाल दूँगी ये खड़े गरम मसाले, साबित गरम मसाले, जिनमें मैंने 2 इलायची ली है, 5-6 लौंग ली है, 3 से 4 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है और ये 3 से 4 मैंने ये तेज़पत्ते के लिए हैं। और ये सारा खड़ा गरम मसाला मैं इसी में ही डाल दूँगी और इसके साथ ही इसे ब्राउन होने दूँगी। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है और इसके साथ ही जो मैंने ये खड़े गरम मसाले, साबित गरम मसाले डाले हैं, ये भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लिया और 3 टेबलस्पून मैंने हरी मिर्च का, इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया और ये भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी। ये मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें ये 1 टेबलस्पून मैंने नमक का लिया है जो कि मैं इसी में डाल दूँगी। अच्छा, नमक मैं ये मसाले के हिसाब से डाल रही हूँ और जब चावल डालूँगी चावल के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो अब ये मसाला थोड़ा सा भून जाए फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़िन, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है और अब मैं इसमें ये 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने पेस्ट बना लिया है, पीस लिया है, ये भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी। ये देखिए नाज़िन, टमाटर डालने के बाद भी मैंने बहुत अच्छे से मसाले को भून लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 250 ग्राम चने की दाल जो कि मैंने 1 घंटे पहले भिगो दी थी और उसके बाद मैंने इसको उबाल लिया और उबाला भी ये मैंने बिल्कुल इसको खड़ा खड़ा ही रखा है, इसको मैंने मैश नहीं होने दिया है, मैंने इसको इतना पकाया है। और आपने नोट किया होगा कि मैं इस पुलाव में मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ चने की दाल और आलू का पुलाव तो इसमें मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्च और ये खड़ा गरम मसाला, बस इसी से ही मैं बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है ये पुलाव। और अब मैं इसमें इसके साथ ही डाल दूँगी ये मैंने 4 से 5 आलू लिए, इनको छील कर कट कर लिया है और ये मैंने बॉयल नहीं किए हैं, कच्चे ही इसमें डाले हैं। आलू आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी इतना जो हमारे चावल के मुताबिक, चावल मैंने लिए हैं 1.25 किलो तो उसके मुताबिक ही मैं पानी डाल रही हूँ। बस ये पानी में उबाल आ जाता है तो इंशाल्लाह मैं आगे जो काम करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। ये देखिए नाज़िन, हमारे इस पानी में उबाल आ चुका है जो हमने ये बनाया है। और अब मैं इसमें सबसे पहले डाल दूँगी ये 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक का लिया है, नमक में डाल दूँगी और नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ये भी मैं इसी में डाल दूँगी और इन सारे अज्जा को अब मैं हिला लूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये चावल जो कि मैंने लिए हैं 1 किलो 250 ग्राम यानी कि 1.25 किलो मैंने चावल लिए, इनको धोकर और मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे और अब मैं ये इसमें उबलते हुए पानी में ये शामिल करूँगी। ये देखिए नाज़िन, मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं पानी में जो हमने इसकी यखनी बनाई है या जो भी कह लें। अब बस मैं इसको उबाल आने का इंतज़ार करती हूँ और उसके बाद में जो अज्जा इसमें शामिल करूँगी वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ये देखें नाज़िन, तकरीबन चावल में से आधा पानी
खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये 5 से 6 अदद इस तरह से कटी हुई हरी मिर्ची डाल दूँगी, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ये 2 अदद बड़े टमाटर मैंने जिनको इस तरह से कट कर लिया है स्लाइस में, और ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। और बस अब इनको पानी खुश्क होने का इंतज़ार करती हूँ। ये देखें नाज़रीन, इसमें पानी तकरीबन खुश्क होने लगा है, और अब मैं इसे दम दूंगी, दम पर रखूंगी, और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा सा और पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद मैं ढक्कन ढककर इसे मैं दम पर रखूंगी, और इंशाल्लाह आपको डिश आउट करते हुए अब मिलती हूँ। लेकिन दम देने के लिए मैं नीचे पहले इसके तवा रख दूँगी ताकि ये नीचे चिपक ना जाए हमारा पुलाव, और बस इंशाल्लाह अब आपको डिश आउट करते हुए मिलती हूँ। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह हमारा चने की दाल और आलू का पुलाव बिल्कुल तैयार है। बहुत आसानी से ये बन जाने वाली डिश है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक भी दीजिए, साथ ही साथ बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।